भारत में कोरोना का कोहराम जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे डर का माहौल भी बढ़ता जा रहा है। आम लोगों के साथ साथ नेता और अभिनेताओं में भी डर का साया मंडरा रहा है। तेजी से पैर पसार रहा कोरोना अब तक 500 से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है, जबकि 11 लोग इस काल के गाल में समा गए हैं। भारत सरकार की तरफ से लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है। वायरस के फैलने से रोकने के लिए कई कदम भी उठाए गए हैं। इसके साथ ही विदेशों में फंसे भारतीयों को भी सरकार वापस ला रही है। वहीं कल पीएम मोदी ने 5 दिन में दूसरी बार देश की जनता को संबोधित किया और पूरे देश में 3 सप्ताह के लिए लॉकडाउन की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा है कि इन 21 दिनों तक इस देश में कोई भी अपने घर से बाहर कदम नहीं रखेगा, वरना देश 21 साल पीछे चला जाएगा। अब ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि इस दौरान कौन सी सेवाएं मिलेंगी और कौन सी नहीं, क्या क्या रहेगा बंद। लॉकडाउन के दौरान सरकारी और निजी दफ्तर बंद रहेंगे। रेल, हवाई और रोडवेज की सेवा नहीं मिलेगी। मॉल, हॉल, जिम, स्पा, स्पोर्ट्स क्लब बंद रहेंगे। सभी रेस्टोरेंट्स और दुकानें बंद रहेंगी। होटल, मोटल, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। सभी स्कूल कॉलेज पर ताला रहेगा। सभी फैक्ट्रियां, वर्कशॉप, गोदाम और साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि सब बंद हो गया है तो हमारी जरूरत पूरी नहीं होगी। उसके लिए कुछ दुकानों को छूट दी गई है जिससे लोगों की जरूरत पूरी हो सके। ये सेवाएं मिलती रहेंगी। सब्जी, राशन, दवा, फल की दुकानें खुली रहेंगी। बैंक, इंश्योरेंस, दफ्तर और एटीएम खुले रहेंगे। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट, ब्रॉडकास्ट और केबल सर्विस जारी रहेगी। ई कॉमर्स के जरिए दवा, मेडिकल उपकरण की डिलीवरी जारी रहेगी। पेट्रोल पंप, एलपीजी पंप, गैस रिटेल खुले रहेंगे। प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस भी मिलती रहेगी। अस्पताल, डिस्पेंसरी, क्लिनिक, नर्सिंग होम खुले रहेंगे। बावजूद इसके लोगों में एक होड़ सी मच गई है और लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए भारी संख्या में बाहर निकल रहे हैं और दुकानों में भीड़ जमा हो रही है। इसमें सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सामान लेते हुए भी लोग एक दूसरे से चिपके हुए हैं। कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है।